थैनोस ने धरती पर कब्जा किया, वहीं एवेंजर्स ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दूं कि फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज होती है तो फ्राइडे के दिन ही 2000 स्क्रीन स्पेस में सबसे पहले बता दूं कि रिलीज हुई है इंडिया में। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में आई डब होकर आई है, मतलब डबिंग जो लैंग्वेज है हिंदी, तमिल और तेलुगु है। अब दोस्तों जो टोटल स्क्रीन स्पेस है वो तो 2000 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिमिटेड हो गया। अब ऐसे 2000 में फ्राइडे के दिन जिस दिन रिलीज डेट था उसी दिन 31.30 करोड़ का बिजनेस करती है अवेंजर्स इंफिनिटी वॉर। दूसरा दिन बहुत ज्यादा मेजर है, बहुत ज्यादा दोस्तों क्रूशियल है फिल्म के लिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फिल्म की फैल चुकी है। क्या क्रिटिक्स ले लीजिए, क्या पब्लिक ले लीजिए, हर कोई फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा है कि फिल्म में VFX अच्छा है, फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी है, सारे सुपर हीरो अच्छे हैं, एंडिंग बहुत ज्यादा सैड है, ये सारी बातें सामने आती हैं, तो पब्लिक के मन में और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और वो सैटरडे को फिल्म देखने के लिए जाते हैं। सैटरडे की ऑक्यूपेंसी दोस्तों वो भी लगभग फुल थी, 90% से लेकर 100% की ऑक्यूपेंसी देखी गई सैटरडे को। ज्यादातर यूथ यंगस्टर्स जाते हैं फिल्म देखने के लिए और मल्टीप्लेक्स दोस्तों भरा हुआ था, चाहे वो 4D शो ले लीजिए, चाहे वो 4DX शो ले लीजिए, 3D शो ले लीजिए या फिर IMAX ले लीजिए, हर जगह पर हाउसफुल था सैटरडे को। सैटरडे को जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों, तो फिल्म ने 30+ करोड़ का फिर से बिजनेस किया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मुझे लगता है 3 दिन के अंदर ही अंदर फिल्म जो है वो 100 करोड़ पार कर जाएगी। क्यों? क्योंकि संडे तक फिल्म जो है वो टोटली बुक है, संडे तक टिकट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई की थी कि संडे को जाके फिल्म देख कर आऊं, लेकिन संडे को हाउसफुल है दोस्तों, चाहे वो सिंगल स्क्रीन ले लीजिए या मल्टीप्लेक्स ले लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अवेंजर्स का बोलबाला है। आपको बता दूं आज से एक साल पहले 28 को रिलीज हुई थी बाहुबली द कंक्लूजन, और उसके साथ भी सेम यही बातें थी, बाहुबली द कंक्लूजन ने भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर दिया था। अब ऐसे में सेकेंड दिन यानी कि सैटरडे 28 को जब फिल्म ने अच्छा बिजनेस कर लिया है, 30 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। अभी तक आपने अगर एवेंजर्स नहीं देखी तो बॉस जाके फिल्म देख लो। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है पर्सनली कि मैं तो मोबाइल में फिल्म देख रहा हूं, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मोबाइल में उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको बड़े पर्दे पर आएगा। तो बड़े पर्दे पर जाइए, थोड़ा सा टिकट महंगा है, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट है बॉस, ठीक है। So, फिल्म देखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मुझे फटाफट। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।